सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित हियर। और आज की इस वीडियो में भी हमेशा की तरह इसमें दो गेम प्ले होने वाले हैं, और दोनों ही गेम प्ले देख के आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि कुछ सीन्स तो इंटेंस होने वाले हैं, कुछ सीन फनी होने वाले हैं, और कुछ सीन में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट और सस्पेंस दिखने वाला है। सो डेफिनेटली हमेशा की तरह मज़ा आएगा। तो जैसे की तरह शुरुआत यहीं से हो चुकी है, जिस घर का गेट खोला उसी घर में बंदे भाई, अब जाएँ तो जाएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे उतरने में, और देखो इधर उधर भाग रहे मेरे टीममेट्स, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो ये M4 उठाए, उससे पहले मैंने M4 उठा ली, क्योंकि देखो ये मिलना मुश्किल है थोड़ा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुम्हारे भाई ने सीधा सामने वाले घर पे पुश करा, क्योंकि राइट में जब मैंने देखा तो राइट में कोई भी नहीं था, वो लोग पीछे फाइट ले रहे थे। तो अब राइट में कोई नहीं है तो हम रोड क्रॉस करके फाइट ले सकते राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने प्री फायर देने की कोशिश की, और एज यूजुअली बंदा मेरे प्री फायर में आ गया। अब जैसे उसको डैमेज हुआ भाई मैं तो मारने घुसूंगा ही, पर मैं राइट से घुसा, क्योंकि अगर लेफ्ट से घुसता तो वो प्री फायर दे रहा था। तो यहाँ पे चलो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, जस्ट मैंने अपना दिमाग लगा के घुस गया, और यहाँ पे मैं बिल्कुल लो हो गया था, बट मेरे टीममेट ने ऐसा चुम्मी कवर दिया ना कि मुझे बचा लिया। अब चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे इन दोनों को मारने के बाद जिस बंदे ने मेरे टीममेट को मारा था हम लोग सीधा उस पर पुश करते हैं, और उसको पता चल गया कि हम आ रहे हैं, और भैया पीछे भागने लगा, और मेरी किस्मत यहाँ पे देखो मुझे एंगल मिल गया और मैंने उसको नॉक कर दिया। बट ये ही सिर्फ यहाँ पे इतना ही नहीं था, वहाँ पे और भी बंदे थे, मतलब ये तो एक ही बंदा था, तीन बंदे और बैठे थे। बट चलो कोई बात नहीं, हम लोग हिम्मत करके जैसे तैसे उन पर पुश करने की कोशिश करते हैं, और एज यूजुअली किल्स लेने के लिए हमारे टीममेट भैया सीधा आगे पुश कर देते हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ पे नॉक वॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो सीधा दो तीन बंदों के बीच में घुस के नॉक फिनिश, और वो बाद में बोल रहे कि भाई बैठा हुआ है लेटा हुआ है, मरने के बाद ये सब बोलते हैं हर कोई। ठीक है, और मैं अंदर पुश करता हूँ, और किस तरह से उनको नॉक करता हूँ तुम लोग खुद देखना यहाँ पे। तो भाई मैं तो लिटरली यहाँ पे इन दोनों को छोड़ के ऊपर वाले को मारने जा रहा था कि मेरे टीममेट ने बोला अपने किल तो ले लो भैया, तो मैंने कहा हाँ भाई ये तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, आज कैसे भूल गया मैं। तो इन दोनों को फिनिश किया, और लास्ट में ऊपर वाले पे देखो किस तरह से पुश करता हूँ, भागते भागते लेफ्ट वाली विंडो में घुस गया, मतलब डोर में। यहाँ से सीधा एंगल बनाना ईजी होता है, बट ये भी मेरे सामने आ गया तो मैंने इसको ईजिली मार दिया। अब भैया इसको खत्म ही कर रहा था कि अपार्टमेंट वाले गोलियां चलाने लग गए, मतलब चारों तरफ बंदे, और ऐसा मतलब यहाँ पे भसड़ बचा रखी है ना इन लोगों ने कि क्या ही बताएं। अब देखो मेरे टीममेट तो दो दो बार मर चुके थे ऑलरेडी, और अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार गेम चालू हुए दो तीन मिनट हुए दो दो बार मर गए, तो मैंने वो सीन काट दिया था, तो मैं बोरिंग ना हो इसलिए। अब यहाँ पे सीन क्या होता है, मुझे साउंड आता है बाहर से बंदे आ रहे हैं, जब बाहर आके देखता हूँ तो भाई पूरी स्क्वाड पुश कर देती है और मुझे यहाँ पे फिनिश कर देती है। बट मैं एज यूजुअली बहुत ढीठ, मैं दोबारा उतरता हूँ, बग्गी उठाता हूँ और पहुंच जाता हूँ सीधा थ्री वे हाउस, क्योंकि इन बंदों को मारना था भाई जिन्होंने मुझे मारा था, और थ्री वे हाउस में पता चलता है कि बग्गी वाला एक बंदा पुश कर दिया हम पे, तो मैं यहाँ पे लेट के इसको नॉक करके फिनिश डाल देता हूँ। और इतनी देर में पता चलता है कि मेरे जो दो बंदे जो पूरे मरे नहीं थे, मैंने तुमको बोला था ना पूरा मर गए, वो मरे नहीं थे एक्चुअली, वो रिकॉल होने के बाद अब दोबारा मर गए। तो इनके मरने के बाद हम लोग जाके पीछे कैंप करते हैं कि भाई वो जो तीन बंदे वो वापस आएंगे यहीं से आएंगे और फिर हम उनको मारेंगे। बट साले हरामखोर पता नहीं किधर से चले जाते हैं, बहुत देर तक आते ही नहीं है, तो हम लोग कॉल बैक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अब रास्ते में मुझे मिलता है ड्रॉप, तो भाई मैंने सोचा ड्रॉप लूटना तो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि देखो लूट प्रॉपर होनी चाहिए चाहे बंदे मरे या ना मरे। तो मैं इस बंदे को नॉक करने की कोशिश करता हूँ, बट पता नहीं भाई कैसे बच जाता है, मैंने शायद अर्ली फायरिंग रोक दी। बट मैं ग्रेनेड करता हूँ, उसको फोड़ता हूँ और जाके उसको फिनिश ऑफ कर देता हूँ, और बाकी के बंदे जो उसके पीछे भाग गए थे उनको मेरा टीममेट मार देता है। तो मैं अपने टीममेट के पास जाके उसको भी लूटता हूँ, पूरी लूट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम लोग सीधा फार्म में पुश कर देते थे, क्योंकि वहीं पर जोन था। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि देखो सामने भी बंदे, वेयर हाउस के अंदर भी बंदे, और मैं थोड़ा सा चोक भी कर देता हूँ साथ ही में। तो भाई जब सिचुएशन नॉर्मल भी चल रही होती है तो मैं चोक करके उसे इंटेंस बना देता हूँ, मेरे को सारे तरीके आते हैं वीडियो को वायरल करवाने के, तो मतलब फिर भी वायरल नहीं होती। यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर भी बंदा था और बाहर मेरे टीममेट के पास बंदा आ गया था, इसने बाहर वाले बंदे को मारा, मैंने कहा चलो वेयर हाउस के अंदर जो बंदा है इस पर पुश कर देते हैं, क्योंकि जो आसपास बंदे हैं इनको जल्दी फिनिश करना था, वरना और भी बंदे यहाँ पे पुश कर रहे थे देख सकते हो, क्योंकि जोन यहीं पे था, और जो वेयर हाउस के अंदर था उस पर मैं पुश करके उसको फिनिश ऑफ कर देता हूँ। और लिटरली भाई जंप करके भी उस बंदे ने काफ़ी डैमेज दे दिया मुझे, पता नहीं कौन सी ऐसी जगह गोली मारी होगी जहाँ ज़्यादा लग गई मुझे। बट चलो कोई बात, इनको फिनिश करने के बाद मेरा टीममेट वापस एज यूजुअली आगे चला जाता है, मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक करता हूँ और दूसरे बंदे को क्या ही जंप करके एकदम सुपरमैन वाला, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एंट्री मार के इस बंदे को भी फिनिश ऑफ कर देता हूँ और मेरे टीममेट को बचा लेता हूँ। अब इसके बाद मैं डायरेक्टली सीधा जाके टावर पे चढ़ जाता हूँ और इस बंदे को बहुत ही ज्यादा डैमेज देता हूँ, पर ये पता नहीं कैसे बच जाता है और मेरे टीममेट इसको जाके फिनिश ऑफ कर देता है। बट फिर से मैं दोबारा घूम के देखता हूँ तो एक बंदा ओपन से आ रहा था, तो इसको फिनिश ऑफ कर देता हूँ, ये तो चिकन डिनर हो जाता है। अब तो मैं दिखाता हूँ एक इंटेंस गेम प्ले। हमेशा की तरह हम लोग उतरते हैं पोचिंग की उतरने के बाद देखो सीन ये होता है कि मेरे टीममेट तो क्रॉस कर जाते हैं, बट जब मैं क्रॉस करने वाला होता हूँ तो ये बंदा मुझे बहुत डैमेज दे देता है, पर मैं इसको नॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं हील करने के बाद सीधा ऊपर जाके देखता हूँ तो ये AFK खड़ा है, अपने टीममेट को रिवाइव भी नहीं दिया इसने। बट चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको फिनिश ऑफ किया और मेरा टीममेट जब बाहर नॉक हो जाता है तो मैं उस बंदे को नॉक करके मेरे टीममेट को यहाँ पे बचा लेता हूँ।
अब देखो हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हम पे एक और टीम पुश कर देती है, और मुझे लगा कि भाई इस बार सबसे बेस्ट रहेगा कि ऊपर चढ़ जाता हूँ। और जैसे ही ऊपर चढ़ता हूँ ना, पता चलता है मेरे टीममेट एक के बाद एक नॉक हुए जा रहे हैं, और इतने खतरनाक बंदे भाई मेरे सामने एक बंदा होता है, मैं सोचता हूँ कि यार नीचे जाने से पहले इसको नॉक कर देता हूँ, क्योंकि एक नॉक करूंगा तो उन पर थोड़ा सा बर्डन क्रिएट होगा, तो मैं नेड करके इसको फोड़ देता हूँ। उसके बाद भाई पता चलता है कि सब नॉक हो गए और कोई भी अभी यहाँ पे नहीं है, तो एक एक करके इन सबको फिनिश ऑफ कर देता हूँ। और फिर मुझे साउंड आता है कि थ्री स्टोरी में भी एक बंदा बैठा हुआ है और मस्त वाला कैंप कर रहा है भाई। तो यहाँ पे देखो थ्री स्टोरी में नीचे जाने से बेटर है कि तुम कहीं ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर से कुछ ना कुछ थ्रोएबल वगैरह करो, वो बेस्ट रहेगा। और मैं यहाँ पे मॉली करता हूँ, वो बंदा नॉक हो जाता है, और जैसे ही बंदा नॉक होता है इसको मेरा टीममेट फिनिश कर देता है। फिर साउंड आता है कि भैया रोड क्रॉस भी एक बंदा कैंप कर रहा है, मतलब एक के बाद एक कैंपर। तो मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ के उस पर नेड कर देता हूँ, और मुझे पता चल गया था कि वो पीछे भागेगा, तो मैं उसे यहाँ पे गन से नॉक कर देता हूँ, और उसको भी यहाँ मेरे टीममेट फिनिश कर देता है। अच्छा, इस गेम प्ले की एक खास बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया कि हमारे साथ खेल रहे थे दो रैंडम जो बार बार नॉक हुए जा रहे थे, और मैं इनको अपनी जान पे खेल के बचा रहा था लिटरली। और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितना अंदर बैठा हुआ था, और बार बार लोग मुझे आके गोलियां मार के जा रहे थे, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं, और मुझे टपली बात समझ रहे थे, मेरी टपली पे मतलब टकली पे टपली बजा के जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं इनको बार बार रिवाइव दे रहा था, फिर मैंने इनको बोला कि चलो भाई ऊपर पुश करते हैं, ऊपर एक ही बंदा है। अब देखो रैंडम तुम्हारे साथ खेले ना तो उनको बेट बना लिया करो, खुद को आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों ने जैसे ही ऊपर पुश किया इनको नॉक कर दिया, और इनको नॉक करने के बाद जैसे ही देखो यहाँ पे जिसने नॉक किया मैंने उसको नॉक कर दिया और इन दोनों को बचा लिया। फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई बार बार क्यों नॉक हो रहे हो। भाई मैंने हील नहीं किया था, 1 HP किल के लिए घुसा था, तुम लोग सारे किल ले जा रहे हो। तो भाई लिटरली जब मैंने ये बात सुनी कि भाई मैं मतलब किल के लिए घुसा था और तुम लोग सारे किल ले जा रहे हो, तो मुझे बहुत ज्यादा तरस आ गया, तो फिर मैंने इनको बिल्कुल भी किल नहीं दिए। भाई मेरे तो बस 10 किल हुए हैं। भाई ये 10 किल। भाई हमको भी करने दे। तो भैया थोड़ी देर बाद हमें वो सामने वाले स्क्वाडों से पढ़ने लग गई, और ये देखो भैया 3 नंबर लेट के किल लेने की कोशिश कर रहा है। मैं भी लेट गया इसके पीछे, कोई बात नहीं, मैं इसकी टेक्निक यूज़ करके देख रहा था सच में कोई नॉक हो जाए तो। बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, भैया गाड़ी लेके सीधा पुश कर देते हैं, और यहाँ पे लास्ट में मैंने सोचा कि यार मुझे ही जाके बचाना पड़ेगा, मैं गाड़ी में बैठता हूँ सीधा पुश करता हूँ। अब लास्ट में सबको मारने के बाद मैं और ये रैंडम बचते हैं, मैंने कहा भाई तू ले ले किल, और देखो वो गाड़ी चला रहा था तो किल मुझे मिलने वाले थे। तो भाई लेफ्ट से एक गाड़ी आ रही थी, मैंने इनको बहुत ही ज़्यादा डैमेज वैमेज देने की कोशिश करी, और एक बंदे को हेडशॉट वगैरह भी मारा, बट ये बच जाते हैं और ये ओपन में कहीं लेट जाते हैं। तो मेरा टीममेट मतलब जो ये रैंडम था ये भाई चला गया उनको मारने, तो मेरे को भाई फ्लैंक करना पड़ा यहाँ पे, मैं गाड़ी लेके पूरा का पूरा टर्न ओवर मार के फ्लैंक कर देता हूँ। फ्लैंक करने के बाद जैसे ही मैंने स्पॉट करने की कोशिश की भाई मुझे बहुत ही गंदा वाला डैमेज दे दिया किसी सांप ने, और थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे लगा कि भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं फॉल बैक करता हूँ यहाँ से। और जैसे ही मैं फॉल बैक कर रहा था भाई यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, मतलब ये रैंडम, और इसको बचाने के लिए मैं आगे आता हूँ। आगे आने के बाद मैं एक दो बंदे को नॉक करने की कोशिश करता हूँ, एक बंदा यहाँ पे फिनिश हो जाता है जो कि उसका किल था। उसके बाद भाई नेड मॉली मुझ पर सब आ रहे थे, मैंने कहा अब तो पीछे भागना ही बेटर रहेगा, तो मैंने स्मोक करके पीछे भागा, और जैसे ही जोन आ रहा था वो जो सांप लेटे हुए थे उनमें से एक ही बंदा बचा हुआ था जो ग्रोजा चला रहा था मुझ पे, और देखो यहाँ पे भाई वो भागने लगा और मैंने उसको फिनिश ऑफ कर दिया। अब जब मैं ओपन से जा रहा था तो मुझे यहाँ पे गाड़ी दिखती है, तो मैंने इनको बिल्कुल भी गोली नहीं मारी क्योंकि मैं ओपन में था, और जब मैंने देखा कि भाई इनकी फाइट हो चुकी है किसी से तो मैं यहाँ पे पीछे से जाके थर्ड पार्टी कर देता हूँ, और मुझे तीनों बंदे मेरे सामने दिख जाते हैं, तीनों को एक एक करके मैं नॉक कर देता हूँ, और यहाँ पे चिकन डिनर हो जाता है। तो ये आ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दो यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ तुमसे दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड आई एम साइनिंग ऑफ।